गाइज, मैं हूं अनन्य सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेनाइट हब। तो गाइज, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि बिहार सरकार ने बिहार के बाहर फंसे हुए बिहारियों के लिए 1,000 रुपये सहायता राशि देने की बात कही है। तो वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कोरोना संकट के लिए जो बिहार के बाहर हमारे बिहारी भाई फंसे हुए हैं, उनके लिए 1,000 रुपये बिहार सरकार देगी। और बिहार सरकार किस प्रकार से देगी, आप देख ही रहे होंगे, काफ़ी न्यूज़ चैनल में देख रहे होंगे, काफ़ी लोग बाहर फंसे हुए हैं, किन्हीं को खाने का नहीं मिल रहा है या कोई रास्ते में फंसे हुए हैं, काफ़ी लोग घरों में बंद हैं, उनके पास खाने के पैसे नहीं है। इसलिए बिहार सरकार ने यह तय किया है कि जो बिहार के बाहर है उनके लिए 1,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। और इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि 1,000 रुपये सहायता राशि किस प्रकार ली जाएगी। मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो देखा लेकिन उसमें डिटेल पूरा नहीं बताया हुआ है। डिटेल इसलिए नहीं बताया हुआ है कि इसमें जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन लोकेशन ट्रैक करता है, जो लोग बिहार के अंदर है उनके लिए ये नहीं है, जो बिहार के बाहर है उनके लिए है। तो मैं बिहार के बाहर हूँ और बिहार के बाहर हूँ इसलिए मैं इस एप्लीकेशन का एक एक चीज़ कैसे कैसे आपको फिलअप करने हैं एकदम पूरा बारीकी से बताऊंगा, और किस तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करेंगे इसके बारे में फुल डिटेल से आपको बताने जा रहा हूं। तो फ्रेंड, मेरा वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और मेरा वीडियो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बिहार से बाहर जो फंसे हुए रोड पे लोग हैं या कहीं कैंप बना हुआ है, कैंप में फंसे हुए लोग हैं, उनको इस बारे में जानकारी नहीं होगी कि मुख्यमंत्री, शायद कुछ लोगों की जानकारी नहीं होगी कि बिहार सरकार ने 1,000 रुपये बिहार के बाहर फंसे लोगों के लिए सहायता देने की बात कही है। तो प्लीज़ मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा कि ताकि जितने बिहारवासी हैं उनको 1,000 रुपये की सहायता राशि मिल जाए। कि मैं प्रॉपर बिहार का रहने वाला हूँ और डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे पास खुद, मैं अपने आईडी से इस एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन करूंगा। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और देर न करते हुए चलिए वीडियो, चलिए मैं आपको अभी अपने मोबाइल स्क्रीन पर लेके आ गया हूँ। अब सबसे पहले अपने को ब्राउज़र पे जाना, आपका फ़ोन में जो भी ब्राउज़र हो, मैं आपको ये अपना अभी फ़िलहाल क्रोम ब्राउज़र पर खोल के दिखा रहा हूँ। क्रोम ब्राउज़र ओपन होने के बाद अपने को सर्च करना है आपदा BIH NIC। तो मैं वैसे सर्च करके रखा हूँ, तो इसमें आप देख रहे हो दो नंबर पे आ रहा है apada.bih.nic.in, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसी को अपने को खोलना है। जब आप इसको ओपन कर लोगे, ओपन करने के बाद आप यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। मुख्यमंत्री राहत कोष बिहार से आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना के माध्यम से मुख्यमंत्री विशेष सहायता अंतर्गत बिहार से बाहर फंसे लोगों की सहायता राशि 1,000 रुपये दी जाएगी। इसे प्राप्त करने हेतु नीचे दिए गए लिंक से मोबाइल ऐप कोरोना सहायता बिहार डाउनलोड करे था उसके बारे में सूचना अंकित करें। तो ये 1,000 रुपये जो है बिहार से जो बाहर फंसे लोग हैं उनके लिए है, और इसका डिटेल के बारे में डिटेल लिखा हुआ है, मैं वो भी आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। यह योजना केवल उन्हीं लोगों के लिए जो बिहार राज्य के निवासी तथा बिहार राज्य से बाहर कोरोना वायरस के चलते फंसे हुए, इसके लिए जरूरी कागजात निम्नलिखित है। लाभार्थी का आधार कार्ड प्रति मतलब आपके पास आधार कार्ड होने चाहिए। लाभार्थी के नाम से बैंक खाता जो बिहार राज्य में अवस्थित किसी बैंक ब्रांच में हो, मतलब आपका आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए। और दूसरा, आपका अकाउंट बिहार में कहीं भी आपका एक अकाउंट होना चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण बातें में लिखा हुआ है, लाभार्थी का फोटो का मिलान आधार डेटाबेस के फोटो से किया जाएगा, अतः आधार का फोटो साफ होना चाहिए, मतलब आधार कार्ड में फोटो साफ होनी चाहिए। एक आधार संख्या से एक ही रजिस्ट्रेशन होगा, मतलब एक आधार संख्या से आप एक बार ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP मोबाइल ऐप पर करना होगा, मतलब मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे उसके बाद फिर OTP आएगा, तो वहाँ पे मेंशन करना है। तो चलिए अभी यहाँ पे ये लिंक दिया हुआ है बिहार कोरोना तत्काल सहायता, अब मैं ये लिंक को क्लिक कर देता हूँ और मैं ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखा हूँ, तो आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद फिर देखना, फिर आपको बता देता हूँ। अब बैक आ रहा हूँ और मेरा ये डाउनलोड किया हुआ है बिहार कोरोना सहायता, इस तरह का एप्लीकेशन आएगा। अब इसको मैं खोल देता हूँ और मेरा यहाँ लोकेशन ऑन है। जब आप खोलोगे इसको तो आपका लोकेशन ट्रैक करेगा, ये लोकेशन ट्रैक इसलिए करता है कि आप बिहार में हो या बिहार के बाहर हो। तो मेरा लोकेशन ऑन है इसलिए ये ऑप्शन दिया नहीं, लोकेशन ऑन नहीं रहेगा तो आपका GPS ऑन करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिखा रहा है कि आधार कार्ड का फोटो इसी तरह से खींचेगा, मतलब जैसे आपका आधार कार्ड में फोटो उसी तरह से आपको सेल्फी लेने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते अब यहाँ आप देख रहे हो गिरह जिला का नाम है, गिरह प्रखंड का नाम है, गिरह पंचायत का नाम है, लाभार्थी का नाम है, लाभार्थी का लिंक देने हैं, पिता या पति का नाम है, आधार या आधार नंबर। मैं इसको फटाफट भर देता हूँ। अब देख लो, मेरा डिस्ट्रिक्ट है पटना डिस्ट्रिक्ट है, और बाकी मैं फटाफट इसको भर देता हूँ। अब पंचायत है, अब पंचायत आपको आपका जो पंचायत है आप उस तरह से आप पंचायत वगैरह चेक कर लीजिएगा। मैं अपना नाम भी भर देता हूँ।
लिंग आप जो भी हो, महिला पुरुष हो, वो करने हैं, फादर नेम आपको भरने हैं। अगर आप पुरुष हो तो फादर नेम भर लीजिए, महिला है तो आप पति का नाम जो आपके डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है वो आपको भरने हैं। अब मैं जल्दी से आधार नंबर इसमें भर देता हूँ। अब सत्यापित के लिए दबाते हैं। आपका आधार का सत्यापन सफल हुआ। अब ओके प्रेस कर दिए। अब इस तरह से आप देख लो, यहाँ पे आपका डिटेल दिखाएगा। अब यहाँ पूछ रहा है अभी आप किस राज्य में हो, तो आप जिस राज्य में हैं उस आपको वहाँ लिखने पड़ेगा। मैं अभी कर्नाटका में हूँ तो मैं कर्नाटका लिख देता हूँ। अभी आप किस जगह पे हो, किस जगह पे हो तो कर्नाटका में मैं बैंगलोर में हूँ, तो यहाँ बैंगलोर लिख दिया। बी और यहाँ पे सत्यापित करें मोबाइल नंबर लेगा तो आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए। यहाँ मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। ये IFSC कोड ले रहा है, मतलब आप बिहार में जहाँ पे आपका अकाउंट नंबर है वहाँ पे IFSC कोड आपका डालना है वहाँ का। मैं IFSC कोड डाल देता हूँ। अकाउंट नंबर अपना डालने हैं। फिर रिपीट बोल रहा है कि अगर अकाउंट नंबर गलती हो तो, इसलिए रिपीट करके फिर से वापस डालना है इसमें अकाउंट नंबर। ऐसा आधार कार्ड का फोटो ले जिसके केवल आधार कार्ड ही स्पष्ट दिखे। आधार कार्ड का सीधा फोटो होना चाहिए और अपना चेहरा का फोटो नज़दीक से ले जिससे आपका चेहरा केवल स्पष्ट दिखाई दे। अब यहाँ बता रहा है ऐसा आधार कार्ड फोटो ले जिससे केवल आधार कार्ड ही स्पष्ट दिखे, था आधार कार्ड का सीधा फोटो होना चाहिए। तब चलिए आधार कार्ड का फोटो ले लेते हैं फटाफट। अब देख लो पूरा सीधा करके आधार कार्ड का फोटो ले लेते हैं। अब आधार कार्ड का फोटो ले लिया। अब दूसरा है अपना चेहरा का फोटो नज़दीक से ले जिससे आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे। अब अपने चेहरे का फोटो ले लेते हैं। अब अपना चेहरा का फोटो ले लिया। तो गाइज मैंने यहाँ आप मोबाइल नंबर देख रहे हो सत्यापित करे करके है, वहाँ पे मैं मोबाइल नंबर का सत्यापन नहीं किया था इसलिए थोड़ा रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो आप ये ध्यान रखना कि मोबाइल नंबर भी पहले सत्यापित करना है। तो जल्दी से आप मोबाइल नंबर का सत्यापन कर लेते हैं और एक आपका OTP आएगा। आप यहाँ OTP डाल दो। OTP डाल देने के बाद अब मेरा OTP आ गया है। OTP मैंने अभी डाल दिया है। अब OTP डाल देने के बाद देखिए अब हमारा ऑप्शन आ गया है सत्यापन करने का, रजिस्ट्रेशन करने का। अब OTP आ गया सक्सेसफुली। अब आप देख रहे हो मैंने फ़ोन का वो सत्यापन नहीं किया था, सत्यापन कर दिया। आधार कार्ड लोड कर लिया, अपना फ़ोटो लोड कर लिया। फ़ोटो लोड करने के अब रजिस्ट्रेशन करें। अब देखिए आप, अब मैं रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर रहा हूँ और ये आप देख लो अब रजिस्ट्रेशन कर दिया। और इसमें इस डिक्लेरेशन दिया हुआ है कि इसमें है मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मैं बिहार का निवासी और उपयुक्त आधार संख्या स्वेच्छापूर्वक दे रहा हूँ रही हूँ जिसके उपयोग से बिहार सरकार के अंतर्गत देय लाभों को प्रदान करने मेरी पहचान को स्थापित एवं प्रमाणित करने में की जा सकती है। मैं यह घोषणा करता हूं कि मैं किसी प्रकार का गलत सूचना नहीं दे रहा हूं तथा इसी आवेदन में मेरे द्वारा अंकित सभी सूचनाएं सही है। यदि कोई सूचना जांच के क्रम में गलत पाई जाती है तो इसके लिए मेरे विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। गलती से आप कर रहे हो तो नहीं करना। और इसमें आप ये देख लो, इसको बाद सिंपली इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करके आप पुष्टि करने हैं। अब ये देखिए फाइनल हो रहा है। आप थोड़ा वेट कर लेते हैं। आपका पंजीकरण सफल रहा। ओके, मतलब मेरा रजिस्ट्रेशन फाइनल हो गया। तो गाइज इसी तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करने हैं और इसी तरह से आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपकी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारे बिहारी भाई जो बाहर फंसे हुए हैं उनकी सहायता हो पाए और उनको 1000 रुपये की मदद मिल जाए और वो अपना रजिस्ट्रेशन अच्छी तरह से कर सके। और अपना ख्याल रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।